ये है आपकी 2023 की ऑल न्यू बजाज पल्सर NS160। जी हाँ, आप सभी के सामने एक ऑल न्यू पेशकश कंपनी ने आप सभी के सामने ले आई है, जो कि आपके ऑल न्यू अपडेट्स साथ गाड़ियाँ आ चुकी हैं। गाड़ी सबसे पहले आप लोग हेडलाइट देख सकते हैं, हेडलाइट जो कि मेरे को उम्मीद था कि कंपनी कुछ अपडेट्स लेके आएगी यहाँ पे, लेकिन हेडलाइट कंपनी वैसे ही कंटिन्यू कर रही है। तो एक बार गाड़ी का आप लोग लुक ले सकते हो फ्रंट से, बहुत ही शायद ओवरऑल लुक आपको जिन्होंने मिल जाता है। और उसके साथ ही आपको मैं बता दूँ, आपको NS160 NS200 में लगभग कंपनी सेम चेंजेस कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा अपडेट आ चुका अगर हम बात कर लें तो। लेकिन अगर हम बात करें उसी के साथ ही साथ, तो एक आपको बहुत ही बेहतर कलर कॉम्बिनेशन ये देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो कंपनी रेड और ये कलर कॉम्बिनेशन आपको ऑल न्यू प्रोवाइड किए हुए, नो डाउट गाड़ी देखने बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार लगती है। एक बार गाड़ी का आप लोग फुल लुक ले सकते हो, बहुत ही बेहतर और शानदार लुक देखने को मिल जाता है। NS के आप लोग बैचिंग देख लो, पल्सर के आप लोग यहाँ पे ऑल न्यू स्टिकर्स देख लो, देखने में बहुत ही बेहतर लगते हैं। तो अगर गाड़ी के हम ओवरऑल लुक की बात करें, लुक वाइज आपको कहीं से कोई कमी नहीं होती है। फ्यूल इंजेक्टर आपको इन्होंने मिल जाता है, NS160 NS200 आपको लगभग सेम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अपनी NS200 है E20 वाली, जो आपको E20 के साथ बैचिंग मिल जाती है। बगल में हमारे पास N160, उसके बगल में हमारे पास NS160 भी खड़ी है। गाड़ी की मीटर कॉन्सोल देख लो, मीटर कॉन्सोल आपको पहले जैसा अनचेंज मिलता है। मीटर कॉन्सोल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो लगभग आपको सारे मिल जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाइज कोई भी कमी नहीं होती है। कंपनी से जो उम्मीद थी कि कंपनी ब्लूटूथ अपडेट्स लेके आ सकती है यहाँ पे, लेकिन कंपनी ऐसे कोई भी बड़े अपडेट्स लेके नहीं आई है। कंपनी आपको पहले जैसे सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियरली यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें स्विचेस देख लो, स्विचेस में आपको वही सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो ये कंपनी आपको पहले यहाँ पे प्रोवाइड करती थी। गाड़ी की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं 160 cc 200 cc हिसाब से एक बहुत ही शानदार पिकअप रिस्पॉन्स वाली बाइक, जिसमें आपको पिकअप अच्छा मिल जाए, फील अच्छा मिल जाए, तो बिल्कुल NS160 NS200 आपके लिए 2023 में बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। गाड़ी में अगर आपको पिकअप चाहिए तो नो डाउट आपको इनसे बेहतर और शानदार पिकअप दूसरी गाड़ियाँ निकाल के नहीं देने वाली हैं। तो अगर आप पिकअप वाइज गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको बेहतर और शानदार पिकअप मिल जाए, तो बिल्कुल आप लोग इस गाड़ी को जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। 2023 में गाड़ी आपके लिए बहुत ही बेहतर और शानदार पैकेज बन के बिल्कुल आती है। बाकी अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो गाड़ी में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार रहती है, चाहे हम लुक्स वाइज बात करें, चाहे फीचर्स वाइज बात करें, चाहे फंक्शन वाइज बात करें। गाड़ी की अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो लगभग आपको 1,80,000 रुपये के आसपास आपकी चली जाती है ऑल न्यू 200। और वही हम NS की बात करें तो NS आपको अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास ऑन रोड टच कर जाती है। गाड़ी में ये ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन, ऑल न्यू लुक्स आ चुके हैं, तो गाड़ी देखने में पहले ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर बिल्कुल लग रही है। ये जो ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिल रही है इसके फ्यूल टैंक पे, वो देखने से बहुत ही बेहतर लगती है। गाड़ी के ओवरऑल लुक्स को इन्हेंस कर देती है। आप ये कूलेंट देख सकते हो, अपनी 200 में मिलता है। बाकी NS160 लोगे तो आपको वहाँ पे ऐसा कूलेंट आपको ग्रीन कलर का नहीं दिखता है। 24 PS की पावर इस गाड़ी में मिल जाती है, तो पावर पैक्ड बाइक है। अगर पावर वाइज बात करोगे तो कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होती, बहुत ही बेहतर और शानदार आपको यहाँ पावर फिगर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो पावर वाइज आपको कोई शिकायत नहीं होगी। पिकअप थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस गाड़ी के बहुत ही बेहतर है, तो कभी भी आपको पिकअप वाइज यहाँ शिकायत नहीं होने वाली। गाड़ी में पिकअप वाइज कहीं से भी कमी है, पिकअप और थ्रॉटल के लिए बहुत ही बेहतर और शानदार रिस्पॉन्स मिलता है। ये न्यू आपको USD फॉक्स इन्हों मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन फॉक्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सस्पेंशन वाइज एक बड़ा अपडेट आ चुका है गाड़ी में, फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको ABS मिलता है। तो ABS वाइज ब्रेकिंग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, लगभग 300 mm की फ्रंट में डिस्क मिल जाती है। तो ब्रेकिंग वाइज तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, एक बहुत ही बेहतर और शानदार ब्रेकिंग के लिए गाड़ी जानी जाती है। अगर आप 2023 में प्लान कर रहे हैं एक बहुत ही परफेक्ट और शानदार बाइक लेने का, जिसमें कि आपको पिकअप थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही मिल जाए, पिकअप और थ्रॉटल में कोई भी आपको दिक्कत ना हो, शानदार आप राइडिंग पोजीशन चाहते हैं, तो बिल्कुल NS160 NS200 आपके लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। इस ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन में NS160 भी आ चुकी है, NS200 भी आ चुकी है, तो जो आपको बेहतर लगे आप उस गाड़ी को 2023 में बिल्कुल बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अगर माइलेज की बात कर ले तो ये गाड़ी आपको लगभग 30 के अप्रॉक्सीमेटली आपको माइलेज निकाल के दे देगी। 30 से 32 का माइलेज आपके लिए कहीं नहीं गया, 35 का भी माइलेज निकाल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप गाड़ियों के हिसाब से राइड कर रहे हैं। बाकी ये था एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आप सभी ऑल न्यू पल्सर NS200 के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं। कोशिश हमारी यही लगी रहती है कि आप सभी को हम बाइक स्कूटर कार की दुनिया से अप टू डेट रखें। मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करोगे तो मिनिमम डाउन पेमेंट जिस गाड़ी के लिए जाने वाला है वो आपको अप्रोक्सीमेटली जाएगा, आपको मान के लिए 50,000 रुपये के आसपास जाएगा, 50 से 60,000 रुपये आपके लिए डाउन पेमेंट इस गाड़ी के लिए जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।